जब भी मैं व्लॉग करने की कोशिश करता हूँ ना, तो क्यों मेरा मेरे बारे में बोल रहा है क्या? जब भी मैं ब्लॉग करने की कोशिश करता हूँ मेरा भाई मुझे डिस्टर्ब करता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ वही बोल रहा था ना भाई, इतना पेन हो रहा है ना थाइस में, बता नहीं सकता मैं, बहुत ज़्यादा पेन, लिटरली अनबियरेबल। पैर ऐसे मूव भी कर रहा हूँ ना, थोड़े से ऐसे करवट भी ले रहा हूँ, या पैर ऊपर नीचे इधर उधर कर रहा हूँ, तो इतना पेन हो रहा है क्या बताऊँ मैं। और अभी सुबह हो चुकी है, अभी टाइम है उठने का, बट उठने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि लेग्स काम ही नहीं कर रहे हैं, इतना दर्द हो रहा है, इनविंसिबल पेन। और अभी मैंने एक एक बॉटल पूरा पानी भी पी लिया है, और प्रेशर बन चुका है, और अब जाने का मन नहीं कर रहा है, बाकी पेट में से प्रेशर बन रहा है और पैर साथ नहीं दे रहे कि जाऊं मैं वॉशरूम, क्या करूं मैं, स्किप करना पड़ेगा लग रहा है, या दीवार की हेल्प ले लेके जाना पड़ेगा, क्या बताऊं। सैटरडे को जो जिम में वर्कआउट हुआ था, उसके बाद संडे को, नहीं संडे को मैं नहीं गया था क्योंकि पेन हो रहा था, फ्राइडे को जो वर्कआउट हुआ था, उसके बाद जिम में जाके वर्कआउट हुआ था, और फिर शाम को भी हुआ था सैटरडे वाले दिन ही। मतलब इतना ज्यादा टेंसड हो गया था ना वर्कआउट लेग्स का, तो उस वजह से मेरी जो मसल्स है वो रिकवर ही नहीं हो पाई, अभी तक पेन है, इतना ज्यादा पेन है कि मैं मतलब बहुत मुश्किल से मूव कर पा रहा हूँ, इधर से उधर, बेड से चेयर तक, इधर वॉशरूम जाना हो तो, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अभी। और आज स्किप भी हो गया है अकेडमी जाना, आज भी जा नहीं पाया क्योंकि बिकॉज ऑफ पेन। मैंने सोचा था सुबह तक ठीक हो जाएगा ये, बट नहीं हो पाया, तो मैं अभी यहीं पड़ा हुआ हूँ बेड पे। सो के उठे हुए मुझे 1 घंटा हो गया, पानी वानी पी लिया मैंने एक एक बॉटल पूरा, क्योंकि मेरा डेली रूटीन में यही होता है कि सुबह उठ के मैं एक बॉटल तो कम से कम पानी पी लेता हूँ, ताकि पूरा क्लियर हो जाए मामला अंदर से। तो अभी वही प्रेशर में हूँ, मैं प्रेशर में वीडियो बना रहा हूँ नॉट ऑन यूट्यूब प्रेशर, बट वो अलग प्रेशर है। देखते हैं, अभी जाता हूँ मैं, फिर ऑफिस का काम भी करना है, ऐसे पड़े रहने से तो कोई काम नहीं चलेगा ना। और अभी बज चुके हैं 9 बजने में, बस 5 मिनट है, तो अभी जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट ना करके जाता हूँ मैं, अपना ब्रश ब्रश हो लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं नाश्ता वास्ता करके। और मेरे को आजकल मैं इतने व्लॉग निपटाने ना, इतने व्लॉग एडिट करने कि क्या बताऊँ मैं, कम से कम 8-9 वीडियोस एडिट करनी है, इतनी पेंडिंग पड़ी है, और शॉर्ट्स और रील्स भी, तो काम इतना है, और मैं इतना अनप्रोडक्टिविटी की लेवल पे टॉप पे हूँ मैं, तो वो निपटाना है, अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग गाइस, आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे क्या होगा आप, जब मैं भी ठीक हूँ तो आप भी ठीक, मतलब ऐसा मैं विश करता हूँ आप ठीक ही रहो, है ना। और गाइज एक माइलस्टोन मेरे लिए ये पूरा हुआ है कि भाई हमने 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए। आई नो ये बहुत ही छोटी बात है, 100 सब्सक्राइबर्स तो मतलब यूं ही पूरे हो जाते हैं किसी के लिए, है ना, तो बट इस 100 सब्सक्राइबर पूरे होने में भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि धीरे धीरे मेरे लिए मैंने मेहनत करी है, धीरे धीरे वीडियोस बना बना के 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचाऊं मैं। और ऑर्गेनिक मतलब ऐसे मैंने ना स्टार्टिंग से मोस्टली ये नहीं किया कभी भी, मैंने बस लगाया तो स्टेटस पे लगाया, कभी भी ऐसे हर किसी को ऐसे भेज भेज के कि भाई सब्सक्राइब करो, मैं ये सब ना बहुत ही कम करता हूँ, क्योंकि मेरे ओपिनियन से ना, मैं क्या सोचता हूँ कि इन माय ओपिनियन कि बंदे को ऐसे इरिटेट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर उसका मन होगा और वो आपसे जुड़ना चाहेगा तो जरूर देखने आएगा और सब्सक्राइब भी करके जाएगा, ऐसे जबरदस्ती भेज भेज के दिखाओ तो उसमें कोई फायदा नहीं है ना, वो कब तक कर लोगे आप, और वो बंदा कब तक आएगा, किसी दिन तो इरिटेट हो ही जाएगा ना। तो बस मैंने एक ही बार किया, वो भी अभी कुछ दिन पहले चैलेंज लिया था, जब 1 आवर में 100 सब्सक्राइबर पूरे करने थे, क्योंकि 91 हो चुके थे, 100 करने थे, मैंने सोचा 11 तो कर ही देंगे लोग, बट वो भी नहीं हो पाया था, तो अपना पुराना वाला ही फंडा ठीक है। और अभी 107 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आई होप हम इसी जर्नी पे लगे रहें और धीरे धीरे माइलस्टोन्स रीच करें। सो गाइज आप साथ देना, और रिक्वेस्ट है आप लोग ऐसी वीडियोस बनाते रहो और जुड़ते रहना। 2 दिन से ना मैं इतना परेशान था, मतलब कि इस पेन की वजह से, जो लेग वर्कआउट का जो पेन था, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है, नहीं भाई मेरी गलती है, नहीं, इतना परेशान हूँ मैं 2 दिन से, मतलब ना तो मैं उठ पा रहा हूँ ठीक से, ना बैठ पा रहा हूँ, ना लेट पा रहा हूँ, तो उसकी वजह से ऑफिस के काम में भी थोड़ा सा सीन हो रहा है कि मैं ठीक से बैठ के काम भी नहीं कर पा रहा हूँ चेयर पे, मतलब काम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन द सेंस मैं बैठ के काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो सीन ये हो रहा था। 2 दिन से मैं परेशान था, तो आज मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, जो मेरे पास स्टडी टेबल थी, मैं दिखाता हूँ 1 सेकेंड आपको, जो मेरे पास स्टडी टेबल थी मैंने वो यूज़ करी अपनी एक्चुअल बड़ी वाली टेबल पे, उस पर स्टडी टेबल लगाई, ऐसे लैपटॉप लगाया,
और चेयर हटाई और उस स्पेस में मैं अभी थोड़ा सा वॉक करके ऐसे खड़े होकर वीडियोस बना रहा हूँ अभी। तो ऐसे मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा हो रहा है अभी चेंज करने में थोड़ा सा, मतलब जैसे कि पूरी पोजीशन चेंज हो चुकी है, अभी खड़े होकर काम करने में थोड़ा अच्छा लग रहा है और वॉक भी कर पा रहा हूँ मैं, बैठे बैठे थोड़ा अच्छा सा भी नहीं लगता था। तो अभी आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद दिस पोजीशन, मतलब ऐसे खड़े होकर काम करने में। वैसे किसी ने पूछा नहीं था, बस मुझे लगा शेयर कर देता हूँ। और ऐसे मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ गाइस, समझ रहे हो ना आप? नहीं। जब तक बंदा कंफर्टेबल नहीं होगा तो कैसे मतलब खुल के बात करे, अभी समझ रहे हो? और ना मेरे साथ ये सीन भी है कि मतलब शायद हर किसी के साथ हो या किसी के साथ ना भी हो, या किसी के साथ तो होगा, जैसे एक्साइटमेंट तो हो ही जाती है ना, तो मुझे ना छोटी छोटी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है। जैसे कि अभी जैसे मैंने चेयर हटाई, ये टेबल लगाई, सॉरी हिल गया होगा, तो जैसे मैंने ये चेयर हटाई और ये टेबल लगाई और ये ऐसे काम कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ की भी इतनी एक्साइटमेंट है ना, मतलब मज़ा सा आ रहा है काम करने में, ऐसे डोपामिन लेवल थोड़ा सा हाई चले गया। पता नहीं भाई क्या ही सीन है मेरे साथ, बट जो भी है सही है, मेरा भी सही है। अभी बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, खड़े हो गए काम करने में मजा आ रहा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। पता है क्या, जब भी मैं व्लॉग करने की कोशिश करता हूँ ना, तो क्यों मेरा मेरे बारे में बोल रहा है क्या? जब भी मैं व्लॉग करने की कोशिश करता हूँ मेरा भाई मुझे डिस्टर्ब करता है, ऐसा पूछे क्या? हाँ वही बोल रहा था ना। कभी ये ऊपर पंखे चलने की आवाज, कभी ये छोटा पंखा चलने की आवाज, कभी मम्मी किचन में बर्तन बर्तन धोते रहते हैं तो उसकी आवाज़ बैकग्राउंड में, आप जब भी देखोगे ना तो आवाज़ आती ही रहेगी मेरे यहाँ पे। तो सो इस चीज़ के लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, और कोई बात नहीं, होता रहता है, बाद में जैसे जैसे ग्रो करेंगे हम भी बना लेंगे अपना एक स्टूडियो जहाँ पे कम आवाज़ आए या शायद आवाज़ ही ना आए। तो अभी के लिए तो हम छोटे लेवल पे ये चीज़ ही कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं, और मैं बोल देता हूँ अपने भाई को तो वो हट गया अभी सुन के जैसे ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। सो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं जब भी मतलब ऑफिस का काम करता हूँ ना, तो मेरे साथ पता नहीं क्या मैकेनिज्म है कि मेरे को सबसे ज़्यादा तगड़े तगड़े आइडियाज़ वीडियो के लिए तभी आते हैं और कहीं पे आते ही नहीं। जैसे अगर मैं फ्री हूँ और फ्री लेटा हुआ हूँ या फिर स्क्रॉल कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ थोड़ा बहुत, या रील्स बना एडिट कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, उस टाइम पे नहीं आएंगे मुझे बिल्कुल भी आइडियाज़। तो जब मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ ना तभी आएंगे मेरे को आइडियाज़ भी, ऐसा सीन है। तो उस चीज़ के लिए मैं ये बोल रहा था, जैसे आप लोगों को भी कभी कभी आ ही जाते होंगे किसी ना किसी को, हर चीज़ का, हर किसी का कुछ ना कुछ फेज़ होगा कि कहीं ना कहीं आते होंगे, जैसे कि कोई घूम रहा हो, कोई म्यूज़िक सुन रहा हो, कोई खाना खा रहा हो, तब आइडियाज़ आ जाए। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप ना ऐसे ये चीज़ मत करो, जैसे आप अगर यूट्यूबर हो या फिर वीडियोस बनाते हो, कंटेंट बनाते हो, तो एक चीज़ कर सकते हो आप कि मैंने भी किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, उसमें उसने बताया था, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको भी, शायद ये हेल्पफुल हो आपके लिए भी, कि आपको जैसी आइडिया है ना तो आप ये तो छोड़ ही दो, ये मत सोचना कि मेरे को याद रहेगा बाद के लिए, उसे ना कहीं लिख लो, या तो स्टिकी नोट में लिख लो या फ़ोन में जाके नोट्स में लिख लो जाके कहीं ना कहीं लिख लो, क्योंकि आपको आइडिया याद नहीं रहने वाला। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है और मैंने बहुत बार ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ ऐसे मतलब गायब हो चुके हैं मेरे दिमाग से आगे। तो ये आपके लिए भी सही रहेगा, और मैं तो कर ही लेता हूँ कभी कभी। तो मैं चला अभी खाना खाने, मम्मी ने बहुत बढ़िया कढ़ी बनाई है और टाइम हो चुका है अभी 4:30। अकेडमी नहीं जा पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा पेन अभी भी हो रहा है और वो पेन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगा ठीक से। मैं घर पे ही अभी स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करूंगा खाना खाने के बाद, शाम तक या कभी, ठीक है। कल मैं साकेत गोखले का 1 मिलियन वाला व्लॉग देख रहा था, जिसमें साकेत गोखले के 1 मिलियन हो गए हैं ऑन यूट्यूब, जो कि फिटेस्ट यूट्यूबर है। तो वही जो उस बंदे का फेस देख के मतलब इतनी खुशी हो रही थी ना, कि उसके चेहरे पे इतना मतलब वो इमोशनल भी हो गया था देख के, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब कि 1 मिलियन रीच होने पे कितनी खुशी हो रही थी उस बंदे को, मतलब अलग ही फेस पे चाम और मतलब एकदम से थोड़ा इमोशनल वाला फेस और खुशी अलग से। मम्मी को हग किया उसने और फिर उसकी मम्मी ने भी, तो भाई मतलब
अलग ही लेवल का वो एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस थी मतलब उसके फेस पे देख के, वो ब्लॉग देख के मजा आ गया। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी मेरे सौ सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं तो मुझे इतनी खुशी हुई है, तो जब 1 मिलियन होंगे या फिर 100K होंगे 1 मिलियन होंगे तब कितनी खुशी होगी, किस लेवल की खुशी होगी, अलग ही नेक्स्ट लेवल खुशी होगी वो भी, है ना। सोचने लायक है। तो बैक टू बेसिक्स, मैं खाना ले रहा था, खाना खा के और कड़ी गिर गई थोड़ी सी, मम्मी से सुनूंगा। वैसे कड़ी मेरी फेवरेट है, बस अगर वो गांव की छाछ की बनी हो, क्योंकि गांव की जो छाछ होती है ना वो ऑथेंटिक होती है, ना केमिकल होता ना कुछ होता, और इतनी खट्टी होती है ना, इतनी ठीक होती है, मतलब मजा सा आ जाता है उस छाछ में। और ये दिल्ली में आती है पैकेट्स में आती है, इनमें कोई मजा नहीं है वैसे, वो वाला तो खास नहीं होती, इसलिए तो मम्मी जब गाँव जाते जब लेके आते तब ज्यादा मजा आता है खाने में कड़ी। वैसे इस वाली में भी मजा है, ये भी टेस्टी बनी है। तो गाइज आज मैंने पूरे दिन इसी तरीके से काम किया, खड़े होके, जैसे किसी मार्ट में काउंटर पे खड़े होके काम करते हैं ना, उसी तरीके से काम किया, और मेरे को काफी अच्छा लगा भाई, क्योंकि ना मुझे लगता है कि मेरी जो बॉडी टाइप है वो खड़े होके ही ज्यादा अच्छे से काम कर रही है, बैठ के मेरे बस की नहीं है, क्योंकि भाई प्रॉब्लम होने लग जाती है मुझे पेट से रिलेटेड, मतलब जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह और भी चीजें होती है जैसे, वो सब होने लग जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही खड़े होके काम कर लिया करूँ, और अच्छी नींद भी आ जाएगी, थक भी जाऊँ, वॉक भी होता रहता है उसी में, मूवमेंट होती रहती है ना खड़े। तो भाई मेरे ओपिनियन में तो मेरा ये वाला मूव सही है, और शिफ्ट करते रहना चाहिए चीजें, है ना, एक ही उसमें काम करते करते बोर भी हो जाता बंदा, तो ऐसे चेंजेस करते रहने चाहिए। तो भाई मैंने तो एक चेंज कर दिया अपनी लाइफ में। तो बस यहीं तक था ब्लॉग गाइस, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट कर देना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है, मिलते हैं जब।